आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अरिबा खान। अररिया के जोगबनी सीमा के पास विराटनगर के बरगाछी स्थित लाइफगार्ड अस्पताल में बुधवार को मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों व ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हुए सुनसरी जिले के बड़जू गांव पालिका निवासी 22 वर्षीय धनीलाल उराव की गुरुवार सुबह 5:30 बजे के करीब मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल उराव को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना शराब सेवन के कारण हुई है। प्रदर्शनकारियों ने बरगाछी चांदनी चौक मार्ग को जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र के रहमतपाड़ा गांव के समीप पूर्व मुखिया वसीम और उसके रिश्तेदारों द्वारा तेज धारदार हथियार से वार कर पिता पुत्र को घायल करने का आरोप है। घायल जमीलुर इस्लाम और उसका पुत्र शाहनवाज अहमद का इलाज किशनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल जमीलुर रहमान ने कहा कि मुखिया पद पर चुनाव हारने से नाराज पूर्व मुखिया वसीम अपने रिश्तेदारों के साथ रहमतपाड़ा हाटिया में पहुंचकर पहले बेटे को चारों तरफ से घेराव कर उस पर वार करने लगा। जब बेटे को बचाने पहुंचा तो मेरे सर पर तेज धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। वहीं घायल जमीलुर रहमान ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें इंसाफ दिया जाए। वहीं सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने कहा, दोनों व्यक्तियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, दोनों ही खतरे से बाहर हैं। हमारे साथ वो पूर्व मुखिया इसके साथ जो है 10-15 आदमी के साथ आया हथियार लेकर, उसका हाथ में भी था और उसका भाई के हाथ में भी था और उस लोगों के हाथ में था, सारी हथियार लेकर के हम लोग वहाँ पर वार कर दिया। पूर्व मुखिया आप पर वार किया, क्यों वार किया, क्या हुआ था? इलेक्शन जो है वो हार गया ना, तो वही उसी रंजिश की वजह से हम लोग पर खफा था। अच्छा, क्या कह रहा था कि इलेक्शन में हरवा दिए हमको? हाँ, हरवा दिए, बार बार बोलते रहता है। हाँ, वो लोग कितने लोग थे? अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महलगांव थाना क्षेत्र के डुमरिया में चुनावी रंजिश में युवक की पहले तो गला रेत कर हत्या कर दी गई, फिर शव को किसी वजनदार सामान से बांधकर नदी में फेंक दिया गया। लापता युवक के परिजनों द्वारा अपहरण का केस दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर पुलिस ने शव को नदी से निकाला। मृतक का नाम मोहम्मद तारिक बताया गया है। पुलिस जब शव को निकालने गई तो ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और नदी किनारे भारी हंगामा किया। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने मोहम्मद तारिक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि हत्या निर्दयी तरीके से की गई है। मृतक का पिता वार्ड सदस्य है। पुलिस ने बताया कि हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। लड़के के गायब होने की सूचना मालगांव थाना में दिया गया था, जिसमें कि प्रथम दृष्टिया ही हम लोगों को लगा कि इसका अपहरण कर लिया, इसलिए अपहरण का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो लड़के के मोटरसाइकिल जो है जलालगढ़ थाना क्षेत्र खाता में बरामद हुआ, उसके बाद हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और लास्ट फोन उसका कॉल डिटेल्स निकाल रहे थे कि कहाँ बात हुआ था। इस संदर्भ में अनुसंधान करने के बाद एक गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद हम लोगों को शक पुख्ता हो गया कि इसका जो है कहीं ना कहीं हत्या कर दिया गया है किसी रंजिश के कारण। उसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर सबको भी जो है मसूरिया के नदी जो है परमान नदी से बरामद किया गया है और इसमें जो अन्य शामिल अपराधी है उसके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है और इस केस को जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए थाना अध्यक्ष जोकीहाट और महलगांव दोनों लगे हुए थे, बैरगाछी और मैं भी था। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत टीम का गठन कर दिया था मेरे नेतृत्व में और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर में इस केस को सॉल्व किया गया और उसको स्पीडी ट्रायल करा के हम लोग सजा दिलाने के कार्य कर रहे हैं। पूर्णिया लाइन बाजार आशियाना कॉलोनी के रहने वाले नवेद अख्तर बाइक एम्बुलेंस बनाकर लोगों को मुफ्त सेवा दे रहे हैं। नवेद ने ग्लैमर मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस बना दिया है। बाइक के बगल में एक 5x7 का बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मरीज के लिए एक बेड भी लगाया गया है। नवेद ने इस बाइक एम्बुलेंस का नाम राजा एम्बुलेंस रखा है। ये 24x7 घंटे सेवा देती है। इसके लिए 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। मोबाइल पर फोन करने से सेवा उपलब्ध रहती है। सेवा शुल्क के नाम पर सिर्फ 1 रुपया लिया जाता है। सेवा शुल्क गूगल पे से करना होगा। फिलहाल नवेद खुद ही एम्बुलेंस चला रहे हैं और मेरा दोस्त, ये दोनों का जो है ना बहुत ज्यादा, मेरे दोस्त का इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा। वेल्ड वगैरह, पेंट वगैरह, वो सारा वर्क जो है उन्होंने किया और ये सोच कर मैंने इसको तैयार किया कि हमारे छोटी संक्रिया गली में जो है ये चले जाए
और बहुत ही कम शुल्क, इसका शुल्क है एक रुपया फोन पे, जो आपको और हमको ये पे करना है, एक रुपया शुल्क पे करके इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। अच्छा, कैसे बुक कराएगा और एक रुपये में आपको क्या कैसे फायदा होगा? जैसे आपने एक रुपये फोन पे किया, आप अपने दोस्तों से कहेंगे कि ये एक निःशुल्क एम्बुलेंस चल रही है, उसमें ये जुड़े, उसमें ये एक रुपया सहयोग करा देते हैं। तो जैसे आप अपने दोस्त को कहेंगे, वो अपने दोस्त को कहेंगे, ये कड़ी बनता जाएगा। तो आने वाला समय में ये एक रुपये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के विभिन्न नदियों के घाटों पर परंपरागत माधी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन हुआ, जहां हर समुदाय के लोग पहुंचे। इसमें पड़ोसी देश नेपाल के लोगों का भी आगमन हुआ। रूपदह, कादोगांव, महेंद्र चौक, खड़खड़ी के अलावा कई नदियों के किनारे मेले का आयोजन हुआ था। पुलिस प्रशासन भी अपने अपने थाना क्षेत्र के इलाकों में ड्यूटी देते हुए नजर आया। किशनगंज जिला अग्निशमन कार्यालय किशनगंज द्वारा आपदा जोखिम न्यूकरण जागरूकता अभियान के तहत खगड़ा स्थित कार्यालय में स्थानीय समुदाय को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अग्नि सुरक्षा सह मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित स्थानीय लोगों को आग की रोकथाम, गैस सिलेंडर में लगी आग बुझाने, प्राथमिक उपचार की विधियां, झोपड़ी में लगी आग को बुझाने तथा फसलों की आग बुझाने के बारे में जानकारी दी गई। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड 24 से विजयी तृणमूल प्रत्याशी प्रतुल चक्रवर्ती से सिलीगुड़ी के विधायक ने मुलाकात की। बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के नतीजों के बाद 24 नंबर वार्ड से विधायक सह भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष अपने प्रतिद्वंदी प्रतुल चक्रवर्ती से 1619 मतों से पराजित हो गए थे। भाजपा विधायक शंकर घोष ने बताया कि विगत निगम चुनाव में उन्होंने प्रतुल चक्रवर्ती को हराया था और उस समय उनका आशीर्वाद लिया था और आज वे हार गए हैं, इसलिए उनका अभिनंदन करने चला आया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता मेरे लिए मेरी संतान है और जनहित में प्रतुल चक्रवर्ती को कोई मदद चाहिए होगी तो वे अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।